कोलकाता का माछेरजोर, बिहार का लिट्टी चोखा या नागालैंड का जूत हो। वेल, जब से इंटरनेशनल डिशेज ने इंडियन रेस्टोरेंट्स और कैफेज में जगह बना ली है, तब से जैसे इन लोकल ट्रेडिशनल डिशेज के स्वाद को तो हम भूल ही गए हैं। तो पेश करते हैं ईस्टर्न इंडिया के वो डिशेज जो आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए। On number one, we have the culinary diverse state of Bihar. यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि लोग अक्सर सीजनल खाना पसंद करते हैं और यहाँ की स्पेशलिटी सीजनली चेंज होती है। खाना अक्सर यहाँ मस्टर्ड ऑयल में कुक किया जाता है, जिसे एकदम ही डिस्टिंक्ट स्वाद आता है। लिट्टी यहाँ का सबसे पॉपुलर डिश है, जो व्हीट फ्लावर डंपलिंग्स होते हैं, सत्तू से स्टफ किए हुए होते हैं और इसे लिट्टी पर पकाया जाता है। इसका स्मोकी फ्लेवर इसकी खासियत है और इसे पॉपुलरली बैंगन से बने चोखा के साथ खाया जाता है। एक और काफी फेमस और टेस्टी स्नैक है खाजा। ये एक 2000 साल पुराने रेसिपी से बनता आया है और मिडिल ईस्टर्न बकलावा से सिमिलर होता है। ये क्रिस्पी डिजर्ट का वेफरी टेक्सचर जरूर होता है, लेकिन इट मेल्ट्स इन द माउथ। दाल पीठा समझ लो बिहार के मोमोज है। ये राइस फ्लावर से बनते हैं और इसमें दाल का स्टफिंग भरा जाता है अलोंग विद स्पाइसेस एंड पिकल। इसे स्टीम या फ्राई करके खाया जाता है। असमीज खाने की बात ही अलग है। यहाँ का एक्सपेरिमेंटल और लोकल बैम्बू शूट से बने डिशेस काफी फेमस है। इनफैक्ट यहाँ पर काफी फॉरेस्ट कुकिंग भी होता है। खार को पपाया और दाल से बनाया जाता है या फिर एक मेन नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट से। ऑल ऑफ दीज आर देन फिल्टर्ड थ्रू ड्राई बनाना लीव्स, विच गिव इट अ यूनिक एंड अनएक्सपेक्टेडली रिफ्रेशिंग फ्लेवर। इसे यूजुअली राइस के साथ खाया जाता है। इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, देन यू गॉट टू डू समथिंग यू नेवर डिड। पानी हमुक काफी एक्सपेरिमेंटल और एक्सॉटिक डिश है। स्नेल्स को पहले पानी में ढूंढा जाता है और फिर इन्हें फ्रेश कुक किया जाता है एज अ करी और ड्राई। आलू पितिका एक सिंपल आलू की डिश है, जिसे दाल या राइस के साथ खाया जाता है। इट इज द सोल फूड ऑफ आसाम। ये आलू मस्टर्ड ऑयल, अनियन, कोरिएंडर और मिर्ची से बनता है। Not many people know about the region, but the local food here is definitely a must try. Hinkevu ko arbi patta, cabbage aur sarso ke patton ke saath banaya jata hai aur ye green curry Naga households mein almost har roz paayi jati hai. It can be eaten with rice or even chapati. Nagaland mein alag tarah ke leaves aur vegetables ke parts ko cook kar kai dishes to banti hai. लेकिन यहाँ के मीट डिशेस भी काफी टेस्टी होते हैं। नागालैंड में सबसे प्रेफर्ड मीट पोक है और इस डिश को अखूनी यानी कि सोयाबीन को फर्मेंट करने के बाद एक बाय प्रोडक्ट से बनाया जाता है। जूथो नागालैंड का पॉपुलर लोकल बियर है। इसे राइस को फर्मेंट करके बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इडली के बैटर को बनाया जाता है। ये व्हाइटिश फ्रॉथी बियर अंगामी नागा के बीच काफी पॉपुलर है। Fish being an integral part of Bengali cooking, this dish includes fish but also potatoes and tomatoes. Maacher jhol ko rice ke saath khaya jata hai aur ye seafood lovers ke liye ek must try hai. Kosha mangsho mutton curry Bengal mein originate hokar ab worldwide famous ho chuka hai. ये मटन करी को टमाटर और अनियन की ग्रेवी और फ्रेश जूसी मटन के साथ पकाया जाता है एंड इट मेक्स फॉर एन एक्सीलेंट अकम्पनीमेंट टू राइस और इवन चपाती। कोलकाता में मिठाइयों की लिस्ट की तो कमी नहीं है, बट बिसाइड द पॉपुलर वंस वी नो ऑफ, देयर इज आल्सो लोबोंगो लतिका। इस डिश को मैदा और खोया से बनाया जाता है एंड इट्स फोल्डेड लाइक अ नीट पेस्ट्री लॉक्ड इन विद लवंग एंड हेंस द नेम।
कोने में मिलता है। अगली बार जब ईस्ट इंडियन स्टेट्स को टूर करो तो इन डिशेस को जरूर ट्राई आउट करना। अंटिल देन स्टे सेफ, हेड आउट रिस्पॉन्सिबली।